दोस्तों, यंगस्क्वेयर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम HTML के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग फॉर्म टैग के बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उन वीडियोस को देखिए। अगर आप HTML कंप्लीट सीखना चाहते हैं या वेब डेवलपमेंट कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के अंदर आने वाले तमाम वीडियोस को ज़रूर देखिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं HTML के अंदर फॉर्म टैग के बारे में। ये फॉर्म टैग एक पैर टैग होता है, मतलब इसका स्टार्टिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। ये HTML के अंदर यूज़ करते हैं यूज़र से डेटा हम कलेक्ट करने के लिए। मतलब हम जब डेटा यूज़र नॉर्मली वेब पेज के अंदर डेटा डिस्प्ले होता है, अगर यूज़र कुछ डेटा को यूज़र से जो यूज़ कर रहा है वेब पेज को उससे हम कुछ डेटा लेना चाहते हैं, उसे लेके या सर्वर पे भेजना चाहते हैं या उसे स्टोर करना चाहते हैं, जो भी वो डेटा हमें किस तरह कलेक्ट करे उसके लिए हम ये फॉर्म टैग यूज़ करते हैं। ये उसका सिंटैक्स है, हम देख सकते हैं फॉर्म टैग, स्टार्टिंग टैग और क्लोज टैग। इसके अंदर बीच में बॉडी ऑफ द फॉर्म टैग के अंदर हम जो रिसीव करना चाहते हैं उसके रिलेटेड वहाँ पे हम लिखें, ये फॉर्म टैग। और ये फॉर्म टैग को हम कह सकते हैं ये कंटेनर है। कंटेनर क्योंकि इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स होंगे उसे हम इस फॉर्म टैग के अंदर ऐड करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स मीन्स मतलब टेक्स्ट फील्ड है, कुछ डेटा वो टाइप करेंगे तो उस तरह का डेटा रिसीव करेंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रहेगी उसमें से डेटा सेलेक्ट करेंगे, या ये मल्टीपल लाइंस ऑफ डेटा लिखना चाह रहे हैं, इस तरह से जो भी डेटा रहेगा मल्टीपल, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा। ये कंटेनर है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के एलिमेंट्स को हम इसके अंदर ऐड करेंगे HTML टैग के अंदर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आगे की वीडियोस में, आगे की स्लाइड्स में इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। चले बाबा, आपको बताता हूँ एक वेब पेज देखें किस तरह से फॉर्म रहता है। यहाँ पे देखिए, ये एक फॉर्म है जिसे हम फॉर्म टैग यूज करके बनाए हैं। आप देख सकते हैं जो भी हम डेटा ऐड करते हैं या आप एक फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन, वो फॉर्म क्रिएट करेंगे ये फॉर्म यूज करके ही, फॉर्म टैग यूज करके। देखिए यहाँ पे ये नेम एंटर करना चाह रहे हैं इस तरह से, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन हैं, दो में से सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कोई एक, इसे हम रेडियो बटन कहेंगे, या डेट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, या ये ड्रॉप डाउन लिस्ट, इस तरह से एक ड्रॉप डाउन जो ऑलरेडी रहेगा उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे, इसे ड्रॉप डाउन लिस्ट करेंगे, इस तरह का जो फॉर्म। और ये सबमिट बटन है यहाँ पे, रीसेट बटन, ये जितने भी ये डेटा है इस तरह के डेटा, इस तरह का फॉर्म क्रिएट करेंगे हम फॉर्म टैग यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम फॉर्म फॉर्म टैग ये यूज करें। ये है ये एग्जांपल किस तरह से ये डेटा रहेगा। आप भी देखे होंगे या फेसबुक के अंदर आप लॉगिन होंगे तो स्टार्टिंग में यूजर नेम पासवर्ड एंटर करने के लिए पूछेगा, वो भी क्रिएट कर रहे हैं फॉर्म टैग यूज करके ही क्रिएट करें। ये था फॉर्म टैग के बारे में। चले हम आगे देखते हैं फॉर्म टैग के अंदर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स कौन से होते हैं फॉर्म टैग के अंदर। डिफरेंट टैग जो होते हैं, इनपुट टैग होगा, सेलेक्ट टैग होगा, टेक्स्ट एरिया टैग होगा, लेबल्स होंगे, फील्ड सेट होंगे, और भी बहुत तरह के टैग्स हम फॉर्म टैग के अंदर यूज करेंगे। अब चलिए एक एक देखते हैं, पहले हम देखेंगे इनपुट टैग के बारे में। ये इनपुट, ये भी एक टैग है जो हम फॉर्म टैग के अंदर यूज करेंगे। ये यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, जिस तरह से टेक्स्ट फाइल होगा या चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन, इस तरह के डेटा, इस तरह का हम टैग बनाने के लिए ये इनपुट टैग यूज करेंगे। इसके अंदर इनपुट के अंदर एक इम्पोर्टेंट टाइप एट्रीब्यूट होगा, टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट होगा, उसके अंदर हम 20 को 2 वैल्यूज, एट्रीब्यूट वैल्यूज हैं, हम उसे यूज कर सकते हैं टाइप के अंदर। ये इम्पोर्टेंट है, ये टाइप इनपुट टैग का नाम है, टाइप एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस के अंदर जान चुके हैं, हर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होगा, एट्रीब्यूट वैल्यू होगा, उसकी वो क्या होता है वो हम जाने, ऑलरेडी उसके बारे में हम देखें। अगर आपको
ये नहीं पता है तो आप पिछले वीडियोस को देखिए, तो उसमें आपको इसके बारे में पता चल जाएगा ये क्या एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट क्यों यूज करते हैं। तो इनपुट टैग का एक इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है, वो है टाइप। इसका इसके अंदर हम तकरीबन 20-22 डिफरेंट वैल्यूज एट्रीब्यूट वैल्यूज हम यूज करते हैं। ये टाइप एट्रीब्यूट डिफाइन करेगा ये इनपुट टैग किस तरह का डेटा रीड कर रहा है, किस तरह का डेटा। एग्जाम्पल टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दे रहे हैं, ये सिंटैक्स है इसका। इनपुट टैग टाइप इज इक्वल टू एट्रीब्यूट नेम, डबल कोटेशन के अंदर एट्रीब्यूट नेम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दिए, हम टेक्स्ट रिलेटेड एक चेक बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, उसके अंदर डेटा टाइप करेंगे, जो टाइप करेंगे वो डिस्प्ले होगा। टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड मीन्स पासवर्ड वो भी टाइप करेंगे लेकिन पासवर्ड दिखाई नहीं देगा। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट देंगे, जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो वहां पे दिखाई देगा। पासवर्ड यूज करेंगे तो जो टाइप करें वो दिखाई नहीं देगा, उसके बदल स्टार आएगा। इस तरह से तकरीबन बहुत सारे 22 टाइप्स हैं, इसमें से कुछ एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। एक है टेक्स्ट, पासवर्ड, रेडियो, चेक बॉक्स, सबमिट, डेट, ईमेल, इमेज, हिडन, रीसेट, इसी तरह सर्च, और भी बहुत सारे 22 एट्रीब्यूट्स हैं इनपुट टैग के अंदर। इसमें से आज की वीडियो में हम कुछ एट्रीब्यूट वैल्यूज के बारे में जानेंगे। ये टेक्स्ट यूज करने से किस तरह का आउटपुट आएगा, पासवर्ड, रेडियो, चेकबॉक्स, सबमिट, ये क्या है, इसका आउटपुट किस तरह से रहेगा वो हम देखेंगे प्रैक्टिकली। उससे पहले थियरी कुछ और टैग्स के बारे में भी हम देख लेंगे। फॉर्म टैग के कुछ और टैग, एक है लेबल टैग। लेबल टैग ये यूज करते हैं जो भी HTML का फॉर्म का जो एलिमेंट होगा उसका लेबल डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप नीचे ये देख सकते हैं, जॉन नाम का एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये हम यूज किए हैं इनपुट टैग यूज करके। अगर सिर्फ चेक बॉक्स आ गया तो हमें पता नहीं चाहिए ये क्या है, इसके अंदर किस तरह का डेटा हम ऐड करना चाहिए। उसके लिए एक लेबल दे रहे हैं यहाँ पे शुरू में, फर्स्ट नेम, यहाँ पे देख लो फर्स्ट नेम, ये लेबल है, इसे हम ये लेबल टैग यूज करके दिए। ये भी आप हम प्रैक्टिकली देखेंगे, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दूसरा टैग है सेलेक्ट टैग, ये सेलेक्ट टैग हम यूज करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट को डिफाइन करने के लिए। ड्रॉप डाउन लिस्ट इस तरह से यहाँ पे नीचे आप ये इमेज देख सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, उसके अंदर से हमें कौन सा चाहिए वो हम सेलेक्ट करेंगे। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट, इस तरह का ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट करने के लिए, बनाने के लिए ये सेलेक्ट टैग यूज करेंगे। और टेक्स्ट एरिया टैग ये यूज करेंगे मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। अगर हम सिर्फ इनपुट टैग यूज करेंगे सिर्फ एक ही लाइन आएगा, सिंगल लाइन। अगर टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे मल्टीपल लाइन, ये आप देख सकते हैं कुछ फॉर्म्स के अंदर आप जब सबमिट कर रहे हैं या टाइप फिल कर रहे हैं तो आएगा, आप देख सकते हैं डिस्क्राइब अबाउट यूर सेल्फ, इस तरह से कुछ दिखाया होगा उसके अंदर मल्टीपल, कुछ आप एक 100 लाइन्स, 100 वर्ड्स, 200 वर्ड्स में लिखना होगा, इस तरह से हम डिफाइन करेंगे ये टेक्स्ट एरिया यूज कर। ये आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं ये फॉर्म टैग किस तरह से यूज। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट टैग्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे टैग्स हैं वो हम आगे देखेंगे। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इन टैग्स के बारे में देखेंगे। ये हो गया थियरी पार्ट, चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे ये किस तरह से काम करता है। चलिए प्रैक्टिकली देखने से पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर बता देता हूँ। इससे पहले वीडियोस के अंदर हम जो टूल यूज किए थे टाइप करने के लिए, HTML पेज क्रिएट करने के लिए, वो था नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में एक विजुअल स्टूडियो कोड ये नाम का भी एक टूल होगा, ये एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली टूल है, इसके अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आज हम ये विजुअल स्टूडियो कोड इसके आगे की वीडियोस में हम ये विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे। आप टाइप करते हुए आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या एडवांटेजेस हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। देखिए मैंने एक विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया है, इसे ओपन किया है, ओपन करके पहले एक न्यू फाइल हम ओपन करेंगे। न्यू फाइल आप देख सकते हैं एक नॉर्मल न्यू फाइल ओपन होगा, इसके अंदर हम जो भी टाइप करना चाहते हैं अब टाइप करेंगे। पहले मैं इसे सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद आपके इसके एडवांटेजेस आपको पता चलेंगे। चलिए इसे सेव कैसे करना है ये सब पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं। इस तरह से मैं इसे डेस्कटॉप के अंदर HTML ट्यूटोरियल इसके अंदर
सेव कर रहा हूँ, इसे नाम दे रहे हैं फॉर्म, फॉर्म डॉट एच टी एम, सेव कर दिए इसे। चलिए आप देख सकते हैं, देखिए जैसे ही हम इसे सेव किए, अब जो भी टैग हम लिखना चाहेंगे ये वर्ड अब लिखते ही उसका रिलेटेड आ जाएगा। देखिए सिर्फ मैंने यहाँ टैग स्टार्ट किया है, डिफरेंट टैग्स के यहाँ पे नाम आ गए, हम क्या यूज करें एच टी एम एल, तो एच टी एम एल टैग का नाम आ गया। अब इसे क्लोज करते ही उसका देखिए ऑटोमेटिकली उसका क्लोजिंग टैग भी आ गया, स्टार्टिंग टैग हम लिखे क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली ले लिया। ये है ये विजुअल स्टूडियो कोड के एडवांटेज, इसके फीचर किस तरह यूज कर रहे हैं। अब एच टी एम एल टैग के अंदर हम देखेंगे हेड टैग, हेड टैग क्लोज करते ही देखिए क्लोजिंग टैग आ गया। इसके अंदर हम नाम देंगे टाइटल, टाइटल हम फॉर्म के बारे में दे रहे हैं, फॉर्म टैग इन एच टी एम एल। चलिए हैशटैग के अंदर हम एक सिर्फ टाइटल दे दिए। चलिए अब आगे देखते हैं बॉडी टैग, इसके बाद बॉडी टैग देखिए बॉडी लिखते ही वो ऑटोमेटिकली जो जो उसके रिलेटेड टैग्स रहेंगे वो यहाँ पे दिखा देगा। बॉडी टैग के अंदर चलिए सिर्फ मैंने फर्स्ट एक हेडिंग दे देता हूँ, एच वन टैग फॉर्म टैग, सेव कर दिए। अब चलिए आउटपुट देखते हैं इसका किस तरह से आउटपुट आएगा। इसका नाम था हमने दिए थे फॉर्म, फॉर्म डॉट एच टी एम एल। देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया है इसका फॉर्म टैग। अब चलिए हम फॉर्म टैग्स क्या क्या हैं वो टैग हम यूज करेंगे किस तरह से आप देख सकते हैं। शुरू में देखिए फॉर्म टैग यूज कर रहे हैं बॉडी टैग के अंदर ही। शुरू में इसका सिंटैक्स मैंने बताया था फॉर्म, फॉर्म स्टार्टिंग टैग भी होगा क्लोजिंग टैग भी होगा। इसके अंदर अब हम इनपुट टैग यूज करेंगे, इनपुट, इनपुट टैग टाइप इज इक्वल टू टाइप एट्रीब्यूट है। देखिए एक कोटे डबल कोटेशन डालते ही ऑटोमेटिक दूसरा डबल कोटेशन भी वो ले लेगा। टाइप सबसे पहले हम यूज करेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। देखिए मैं इसे क्लोज किया, देखिए इनपुट क्लोज करते ही स्लैश इनपुट नहीं आया क्योंकि इट इज ए अनपेयर टैग, ये सिर्फ स्टार्टिंग टैग रहेगा क्लोजिंग टैग नहीं रहेगा। अब इसे सेव करके चलिए अब इसे हम रिफ्रेश करेंगे तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं किस तरह से। देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया इनपुट टैग यूज करें तो। इसके अंदर और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं इनपुट के अंदर, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। सिर्फ आज हम टैग्स क्या हैं किस तरह से काम कर रहे हैं वो देख रहे हैं। अब देखिए सिर्फ ये टैग आ गया और एक टैग हम देना चाहते हैं, मैं इसे ही कॉपी करके ये कॉपी कर देंगे। तीन इनपुट टैग मैंने यहाँ ऐड किया है तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं तीनों टैग एक के बाद हॉरिजॉन्टली साइड बाय साइड आ गए हैं। हमें इस तरह से नहीं एक के नीचे एक चाहिए और ये हमें पता भी नहीं चल रहा है ये टैग क्या वा क्यों यूज कर रहे हैं, ये टैग क्यों यूज कर रहे हैं, ये टैग क्यों यूज कर रहे हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे लेबल। चलिए हम एक एक फॉर्म के अंदर ये इनपुट टैग के लिए हम लेबल यूज कर रहे हैं, ये लिए भी ये लेबल टैग हम दे रहे हैं। देखिए इसका स्टार्टिंग भी होगा क्लोजिंग भी होगा, समझिए ये फर्स्ट था हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट नेम या ऐसे समझिए स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट। अब इसे मैं सेव कर रहा हूँ, अब रिफ्रेश करेंगे देखिए नाम आ गया स्टूडेंट नेम। इसे हम कोलन भी जिस तरह अच्छा दिखे उस तरह से हम इसे डिजाइन कर सकते हैं अलग अलग टैग्स यूज करके नेम दोनों ये। अब हमें चाहिए स्टूडेंट नेम एक रो में रहे, ये बाकी का जो यूज कर रहे हैं और एक लाइन के अंदर आए, उसके लिए हम यूज करेंगे बी आर टैग। बी आर टैग के बारे में भी आप इससे पहले जान चुके हैं, बी आर टैग यूज कर रहे हैं कर्सर को न्यू लाइन में ले जाने के लिए। यहाँ पे बी आर टैग में यूज कर रहा हूँ तो आउटपुट आप देख सकते हैं किस तरह से बी आर टैग, इसे भी हम एक बी आर टैग यूज करेंगे। देखिए वो नीचे आ गए, अगर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो और एक बी आर टैग भी हम यूज कर सकते हैं।
इसे चेंज भी हम कर सकते हैं अलग अलग CSS यूज करके, जो हम पिछले वीडियोस में जो CSS वैल्यूज हम CSS के बारे में जाने थे वो आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब एक एक हम लेबल यूज करेंगे इसके लिए। ये तीन लेबल, अब एक एक हम नेम चेंज करेंगे। ये लेबल, ये फर्स्ट इनपुट टैग था स्टूडेंट नेम के लिए। दूसरा हम देखेंगे स्टूडेंट, समझिए पासवर्ड कुछ इस तरह से देंगे हम। स्टूडेंट नेम मैंने यहाँ पे आपको बताया था कौन से आ रहे हैं एट्रीब्यूट वैल्यूज, टेक्स्ट है, पासवर्ड है, रेडियो है, चेक बॉक्स, सबमिट, इस तरह। टेक्स्ट हम देखे, टेक्स्ट का मतलब क्या होता है आप देखेंगे। दूसरा जेंडर दे रहा हूं मैं, चलिए अभी से आउटपुट आप देख सकते हैं। रिफ्रेश, एक था स्टूडेंट नेम, दूसरा जेंडर है, तीसरा हम कुछ भी एंटर पासवर्ड इस तरह से देंगे, एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड। अब चलिए अब इसके ये क्या क्या डिफरेंस हैं ये हम देखेंगे। देखिए टेक्स्ट हमने तीनों के लिए मैंने दिया है टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, तो इसे टाइप करें फॉर एग्जांपल राहुल, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। अब इसे भी मैंने टेक्स्ट ही दिया है तो आप ये देख सकते हैं मेल जो भी है हम टाइप कर रहे हैं तो नॉर्मली वो जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये है टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब दूसरे वैल्यूज देखेंगे हम, जेंडर, जेंडर के लिए जेंडर आप देख सकते हैं, जेंडर मेल आएगा, फीमेल आएगा या अदर आएगा। उसके लिए तीन में से कोई एक सेलेक्ट करना है तो उसके लिए चलिए हम रेडियो बटन यूज करेंगे। ये तीन रेडियो बटन मैंने यूज किया है तीनों के लिए। अभी लेबल भी देना है, वो लेबल भी हम देखेंगे। इस तरह से देखिए रेडियो बटन तीन में से कोई एक सेलेक्ट होगा, कब इसके लिए एक एट्रीब्यूट वैल्यू आएगा वो हम आगे वीडियो में देखेंगे उसके बारे में। आप सिर्फ इतना देख लिए रेडियो बटन यूज करेंगे तो किस तरह से आएगा रेडियो बटन। ये था रेडियो बटन, रेडियो बटन मतलब ये जो होगा उसे हम सेलेक्ट करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। और तीसरा हम देखेंगे टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, पासवर्ड मैं सेव करने से पहले रिफ्रेश करने से पहले देखिए नॉर्मली जो टाइप कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। अभी से रिफ्रेश कर रहे हैं तो इस रिफ्रेश करने के बाद टाइप इज इक्वल पासवर्ड दिए हैं तो जो भी हम टाइप करेंगे वो दिखाई नहीं देगा, उस जगह पे डॉट आएगा। ये है टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड यूज करें। इसी तरह से और भी वैल्यूज हैं, डिफरेंट वैल्यूज, आगे की वीडियोस में भी हम उसके बारे में देखेंगे। ये एक और एक वैल्यू हम देख लेंगे अभी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, सबमिट। अब रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं टाइप इज इक्वल टू सबमिट। इसे भी हम न्यू लाइन में लेके जाएंगे, टाइप इज इक्वल टू सबमिट। देखिए अब ये सबमिट बटन क्यों यूज करते हैं, जब इस टाइप इज सबमिट देंगे वो एक बटन बन जाएगा, बटन इसे सबमिट करेंगे मतलब इसे क्लिक करेंगे ये फॉर्म टैग के अंदर, एक फॉर्म के अंदर जो भी डेटा था वो पूरा डेटा लेके वो जो एक्शन हम देंगे वो एक्शन के हिसाब से काम करेगा। एक्शन हम देंगे फॉर्म टैग के अंदर, देखिए ये सबमिट बटन हम दिए हैं ये फॉर्म टैग के अंदर। फॉर्म के अंदर जितने भी हम टैग्स यूज कर रहे हैं इसके अंदर जो भी डेटा टाइप करेंगे जैसे ये सबमिट बटन प्रेस करेंगे तो ये पूरा डेटा लेगा। तो इसके अंदर यहाँ पे फॉर्म के अंदर, फॉर्म के स्टार्टिंग टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट आएगा एक्शन इज इक्वल टू, उसके अंदर हम जो देंगे परफॉर्म करेंगे ये डेटा पूरा लेके वो वहां पे जाएगा। ये सेव करने दे रहे हैं,
या दूसरे पेज को सेंड कर रहे हैं, वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे उसके बारे में कंप्लीटली। आज की वीडियो में बस आप इतना जान लीजिए ये फॉर्म क्या होता है और इसके अंदर यूज करने वाले जो डिफरेंट टैग्स डिफरेंट एलिमेंट्स वो क्या है। लेबल हमने देखा है, लेबल क्यों यूज करते हैं। इनपुट टैग, इनपुट के अंदर जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आते हैं टाइप के अंदर वो हमने देखा है। एक और एक एट्रीब्यूट हम देखेंगे आज, दूसरा एट्रीब्यूट देखेंगे सेलेक्ट के बारे में देखेंगे, सेलेक्ट किस तरह से काम करता है। सेलेक्ट के लिए भी पहले हम एक लेबल देंगे, लेबल लेबल का नाम देंगे सेलेक्ट स्किल्स। स्किल्स क्या क्या हैं वो हम सेलेक्ट करने के लिए दे रहे हैं। अब चलिए सेलेक्ट, ये CLECT सेलेक्ट टैग यूज कर रहे हैं। सेलेक्ट के अंदर डिफरेंट हम वैल्यू देना चाहते हैं, इसके अंदर और एक टैग आएगा उसके अंदर हम यूज करेंगे ऑप्शन, ऑप्शन हम यूज करेंगे। ऑप्शन ऑप्शन मतलब सेलेक्ट के अंदर हम कितने वैल्यूज देना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नाम दे रहा हूँ यहाँ पे HTML, इसे सेव करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट किस तरह से काम करेगा। देखिए सेलेक्ट एक वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसी तरह से हम मल्टीपल वैल्यूज चाहिए हमें। कंट्रोल सी, और इसे हम देखें HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये किस तरह से काम कर रहा है। सेलेक्ट स्किल्स, ये सेलेक्ट टैग के अंदर एक ड्रॉप डाउन मेनू आ जाए। हमने तीन वैल्यूज दिए थे तो तीन वैल्यूज ले रहे हैं, कौन सा वैल्यू चाहिए वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है ड्रॉप डाउन मेनू किस तरह से काम करेगा। इसके अंदर जो और भी एट्रीब्यूट्स आएंगे उसके बारे में हम सेपरेटली अलग वीडियो बना के जानेंगे उसके बारे में। बस आप ये सेलेक्ट टैग के बारे में देख लीजिए किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से हम लिखते हैं, ये है सेलेक्ट टैग के बारे में। अब और इनपुट टाइप के अंदर और भी वैल्यूज हैं उसके बारे में, चलिए और एक दो तीन वैल्यूज हम देख लेंगे। चेक बॉक्स के बारे में देखेंगे एक और एक वैल्यू किस तरह से काम करता है। लेबल देते हैं चेक बॉक्स के अंदर ऑप्शन सेलेक्ट इंटरेस्टेड या हॉबीज नाम का एक ये दे रहा हूँ मैं। अब हम इनपुट टैग यूज करेंगे इसके अंदर, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। देखिए चेक बॉक्स किस तरह से दिखाई देगा आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स, चेक बॉक्स देखिए चेक बॉक्स उसे हम सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें एक से ज्यादा चेक बॉक्स चाहिए तो उसके लिए हम ऐड करेंगे। कितने वैल्यूज हैं, हर चेक बॉक्स के बाजू एक नेम देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। वो अलग अलग एट्रीब्यूट, उसके लिए अलग एट्रीब्यूट्स हम यूज करेंगे उसके लिए, वो सारे हम दूसरे क्लासेस के अंदर उसके बारे में जानेंगे। नेम है, वैल्यू है, इस तरह से अलग अलग एट्रीब्यूट्स आएंगे, वो हम एक एक टाइप एट्रीब्यूट ही अलग लेके उसके बारे में हम सेपरेटली आगे की वीडियोस में देखेंगे। आज की वीडियो में हमने देखा कि फॉर्म टैग क्यों यूज करते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, फॉर्म टैग क्यों यूज करते हैं। फॉर्म टैग हम यूज करते हैं एक हम एक फॉर्म बनाने के लिए, मतलब कंप्यूटर यूजर से डेटा कलेक्ट करने के लिए ये फॉर्म टैग हम यूज करेंगे। इसके अंदर ये फॉर्म टैग ये कंटेनर होता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के
के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे उसके अंदर। डिफरेंट एलिमेंट्स इनपुट एलिमेंट्स हो सकते हैं या सेलेक्ट हो सकते हैं, लेबल हो सकते हैं, इस तरह से अलग अलग यूज करेंगे और हर एक के अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट्स आएंगे। जो बहुत ज़्यादा यूज करने वाले जो इम्पोर्टेंट जो इनपुट एलिमेंट्स थे, जो फॉर्म एलिमेंट्स थे, वो आज हमने देखे। वो कौन से थे? एक था इनपुट, इनपुट टैग हम यूज करेंगे, दूसरा सेलेक्ट यूज करेंगे, तीसरा सबमिट हम यूज करेंगे, और इसके अंदर इनपुट के अंदर एक एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज आते हैं, अराउंड 20 से ज़्यादा वैल्यूज आते हैं। उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा यूज करने वाले जो वैल्यूज हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। टेक्स्ट है, पासवर्ड, रेडियो, चेक बॉक्स, सबमिट, डेट, ईमेल, ये सब टेक्स्ट यूज कर रहे हैं डायरेक्ट जो टेक्स्ट डेटा हम एंटर करने के लिए। पासवर्ड यूज कर रहे हैं जो जो हम टाइप कर रहे हैं वो दिखाई ना दे, हाइड करने के लिए उसे लिए। रेडियो बटन यूज कर रहे हैं, रेडियो आएगा जिस तरह से मैंने अभी यहाँ पे रेडियो बटन बताया था। और चेक बॉक्स है, सबमिट है, डेट, ये यूज कर रहे हैं इनपुट के अंदर। और इसके बाद और जो इम्पोर्टेंट टैग था, लेबल था, लेबल टैग यूज कर रहे हैं HTML फॉर्म के एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए, उसका नाम देने के लिए। सेलेक्ट यूज कर रहे हैं हम ड्रॉपडाउन मेनू, ड्रॉपडाउन लिस्ट डिफाइन करने के लिए। टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे हम मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट एड हम एंटर करने के लिए। ये था फॉर्म टैग के अंदर जो बहुत ज़्यादा यूज करने वाले टैग्स। इसके बारे में ये फॉर्म टैग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर हर एक टैग, इनपुट टैग के अंदर, इसके अंदर भी एक बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारे वैल्यूज आते हैं। वो आगे के वीडियोज के अंदर हम उसके बारे में देखेंगे। अगर इसके अंदर आपको किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर ये अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए।